हेलो एवरीवन। तो हम अपने लेक्चर नंबर 4 में हेलो एल्केन एंड हेलो ओरेन चैप्टर में, जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक ये था कि हम जो केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शन को डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम SN1 रिएक्शन के रेट की अगर बात करें, तो SN1 रिएक्शन जो होती है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में होती है, फिर 1 डिग्री होती है, एंड लीस्ट होता है CH3X में। एक्चुअली इसमें होता ही नहीं है SN1, क्योंकि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है SN2 की। अगर हम SN2 की बात करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है। CH3X की रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर 1 डिग्री कार्बन कार्बोकटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन, एंड देन 3 डिग्री कार्बोकटायन। मैंने इसका ग्राफ भी आपको बनाकर दिखाया था कि अगर हम इसके ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, तो इधर हम रेट ले लेते हैं एंड इधर हम रिएक्शन ले लेते हैं, जो रिएक्टेंट है। लेट से दिस इज CH3X एंड दिस इज CH3 होल ट्वाइस CHX एंड दिस इज CH3 होल ट्वाइस X। ये हो गया हमारा। तो अगर हम रेट को जब बात करेंगे, तो रेट सबसे कम इसमें होगा, फिर उससे ज़्यादा इसमें होगा, एंड सबसे ज़्यादा इसमें होगा जब हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर SN1। तो SN1 की जब हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकोटाइन का, इसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी, एंड लीस्ट होगी CH3X की। इनफैक्ट ये 0 को टेंड करता है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? और अगर हम SN2 की बात करें, तो इसका क्या होगा रेट को अगर हम कंपैरिजन करें? तो अगेन हमने क्या किया कि यहाँ पर CH3X रखा, देन हमने यहाँ पर CH3CH2X रखा, दिस वन इज CH3 होल ट्वाइस CHX एंड हियर CH3 होल थ्राइस X। बेसिकली ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, एंड दिस इज CH3X। तो अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर अगर हम SN2 के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, तो SN2 के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे लीस्ट होगा 3 डिग्री में, क्योंकि SN2 के केस में स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर हम रेट डिसाइड करते हैं। क्राउडिंग जहाँ सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर रेट सबसे कम होगी। तो अगर हम रेट की बात करें, और जहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम होगी, रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके ग्राफ का जो नेचर होता है, कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये रेट डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप अपने स्टेरिंग क्राउडिंग इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी रेट डिक्रीज होती जाएगी। एंड इन दिस केस, जैसे जैसे आप स्टेरिक क्राउडिंग को इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ाएंगे, तो इसकी रेट डेवलप इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन अपना किया था। तो ये तो एक तरह का सब्सट्रेट हो गया, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सट्रेट हो गया, जिसमें कि हम नॉर्मल 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री की बात करते हैं। CH3CHX, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको सेकेंड, एंड दिस इज CH3H एंड X, दिस इज थर्ड। तो अगर हम इन तीनों में अगर रेट की बात करें, तो अगर हम रेट की बात करेंगे फॉर SN1, तो सबसे ज़्यादा SN1 किसमें होगा? जो 3 डिग्री होगा, इसका कार्बोकैटायन अगर हम देखेंगे जब बनेगा, तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH3 एंड CH3। ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाए, आप कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और जब यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब काउंट करेंगे, तो इसमें 9 आएंगे,
लास्ट लेक्चर में इस बार आपको बताया था, बेसिकली यहाँ पर रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिवाय रिवीजन के और इन प्रैक्टिस के नहीं समझ में आ पाएगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है, एंड सिंस इन दिस केस अल्फा हाइड्रोजन इज 9, मतलब मोस्ट स्टेबल होगा ये कार्बोकोटाइन, एंड दैट्स वाई इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकोटाइन की, और ये मोस्ट स्टेबल होगा तो इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका रेट होगा? यस ही होगा। तो सबसे ज्यादा रेट होगा फर्स्ट का, फिर होगा सेकेंड का, एंड देन होगा थर्ड का। लेकिन अगर हम इसी रेट का कंपैरिजन SN2 के लिए करें तो स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर हम करेंगे। ये दो केसेस आपको याद रखना होगा। अगर हम SN1 के लिए बात करें तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, और हम रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की बात करें तो स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पर जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा स्टेरिक क्राउडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि CH3 की साइज बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से अटैक करेगा उसके लिए आना काफ़ी मुश्किल होगा, इसीलिए इसकी रेट मिनिमम होती है, लीस्ट होता है एकदम से। फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का रेट सबसे ज़्यादा होता है, एंड CH3X का सबसे ज़्यादा। ऑल दो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा गिवन नहीं है, तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? आई एम सॉरी, ये रिवर्स आ गया था, ये फर्स्ट का सबसे लीस्ट होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा सेकेंड का, एंड फिर होगा फर्स्ट का, ये होगा रेट। अब ये तो फर्स्ट टाइप के सबस्ट्रेट हो गए जिसमें कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं था, एंड इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट या कोई और इफेक्ट्स नहीं इंक्लूड किए गए थे। बेसिकली हम क्या किए कि अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर हमने इसका आंसर किया। अब आइए देखते हैं कि क्या हो कि अगर रेजोनेंस का इफेक्ट अगर देखा जाए तो आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब रेजोनेंस पॉसिबल हो, हमारे मॉलिक्यूल जो गिवन होगा अगर उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो हम उस तरह के मॉलिक्यूल्स को रेट का कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि एक ये हमारा मॉलिक्यूल है बेंजीन रिंग, एंड इससे हमारा CH2Cl अटैच्ड है, एंड एक दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजीन, एक्चुअली दोनों सेम ही है, बीच में अगर हम सर्कल बना दें या फिर इस तरह से 3 पाई बॉन्ड दिखाएं, दोनों एक ही मॉलिक्यूल को शो करते हैं, तो आप इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बेंजीन रिंग ही है। तो ये CH2 और फिर हमने CH2Cl रखा, और अब हमें इस केस में रेट कंपैरिजन करना है SN1 का। हमें SN1 रिएक्शन जो होगी उसका रेट कंपैरिजन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट कंपैरिजन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं, एंड कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी रेट होगी। तो ये CH2 एंड दिस इज CH2+। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर एक पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप इसने एक वैकेंट ऑर्बिटल, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट किया, जब जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को Cl लेके चला गया एज ए Cl-, तो इस पे एक ऑर्बिटल वैकेंट रह गया, तो ये पाई बॉन्ड क्या है कि उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर, मतलब पाई बॉन्ड के एक सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर कोई कार्बोकैटायन बनता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, एंड इन दिस केस अगर हम इस केस की देखें तो एक पाई बॉन्ड तो है, बट बीच में क्या है, बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए हैं, एक ये एंड एक ये। तो कोई कंडीशन ये है कि एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस कार्बोकैटायन पर रेजोनेंस नहीं हो सकता।
एंड सिंस रेजोनेंस नहीं हो सकता है कि ये नॉर्मल कार्बोकोटाइन की तरह है, तो मतलब इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है कार्बोकोटाइन, जो कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। तो अगर हम रेट की कंपैरिजन करेंगे तो जो रेट होगा वो फर्स्ट का ज़्यादा होगा सेकंड से, इनफैक्ट टू टाइम्स मेनी टाइम्स ज़्यादा होगा। इसकी रेट इस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा होगी एंड ये रिएक्शन बहुत कम टाइम में हो जाएगा एंड दिस विल टेक मच टाइम फॉर कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन। एक ये हो गया। दूसरा अगर हम करें कि लेट से हमने यहाँ ब्रोमीन लगाया एंड यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल लिया, अगेन ब्रोमीन एंड दिस। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में हमें रेट कंपैरिजन करना है किसका, SN1 का। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल में देखें तो रेजोनेंस अब दोनों में होगा। कैसे, आइए कार्बोकैटायन बनाते हैं पहले। ये CH2+ होगा, ये भी CH2+ होगा। ये हमने लिविंग ग्रुप जब BR निकला इस कार्बन से तो इस पर क्या आएगा, CH2+ आएगा। हमने इन दोनों का कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया है। अब बात आती है कौन सा कितना स्टेबल है। तो अगर हम इस ग्रुप में देखें तो ये दोनों तो स्टेबल है, इन दोनों में रेजोनेंस होगा। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये नेगेटिव फॉर्म करेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे एंड यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा प्लस चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन हुआ ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पहले यहाँ पर था अब शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया और प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, ये रेजोनेंस हुआ। और इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी एंड फर्दर इसमें देखिए पाई बॉन्ड नहीं है तो इसमें फर्दर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। अब हम इसकी बात करें तो एज इट इज सेम है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के तो यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया प्लस चार्ज। तो जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बना तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब इसको आप फर्दर हम एक और RS बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड एग्जैक्टली सेम रहा। अब ये वाली डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, यहाँ पर माइनस फॉर्म हुआ, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिए एंड यहाँ पर कार्बोकैटायन आया CH2+। तो अगर आप इस इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखें तो इसमें नंबर ऑफ RS जो फॉर्म हो रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट इज ओनली वन एंड इन दिस केस नंबर ऑफ RS इज टू। तो जब भी एक कंडीशन ये होता है कि आपको नॉर्मल मॉलिक्यूल्स दिए जाएं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो आप उसका अल्फा डिग्री अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर आंसर करेंगे। अगर रेजोनेंस को इंक्लूड किया जाए तो आप देखेंगे किन किन में रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस जिसमें नहीं हो रहा है उसकी रेट कम होगी एज कम्पेयर टू जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर कोई ऐसी मॉलिक्यूल दे दी जाए जिसमें रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है तो हम इस बात से डिसाइड करेंगे किसमें नंबर ऑफ RS ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी एंड जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को के बेसिस पर होता है। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा फॉर SN1, आप इस बात को ध्यान दें। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का था। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार हम फिर से एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर मैंने इस बार आयोडीन लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड। हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, आयोडीन लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया एंड एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, या अब दिख रहा है। तो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया
जिसमें कि हमने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किए डबल बॉन्ड के। एक मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली इस तरह का है, एंड दूसरा इसको हम नंबर वन दे देते हैं एंड दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल। अब हमें इसका अगेन रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन को बताना है कि किसमें ज़्यादा होगा किसमें क्या होगा, बेसिकली कंपैरिजन करना है। तो अब बात आती है कि लिविंग ग्रुप तो सेम है, इसमें भी आयोडीन है इसमें भी आयोडीन है, तो और अगर हम कार्बोकोटाइनेस का जो फॉर्म होगा तो कुछ इस तरह से होगा कि CH2+ आएगा यहाँ पर, एंड इन दिस केस यहाँ पर CH2+ आएगा आयोडीन जब निकल जाएगा। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन जो बताएंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर बताएंगे, जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम इस कार्बोकैटायन को देखें तो इसका जो हम RS बनाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से होगा कि 1 2 3, ये 2 3 से बॉन्ड शिफ्ट होकर 1 2 पे चला जाएगा एंड 3 पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। आप इस तरह से इसको एक ट्रिक बना सकते हैं कि ये 1 जब पर भी कार्बोकोटाइन होगा तो 1 2 3 हम करेंगे, 2 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 में शिफ्ट हो जाएगा और 3 पर कार्बोकोटाइन फॉर्म होगा। अगेन अब हम देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है तो एक और बना लेते हैं 1 2 3, तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड 3 पर पॉजिटिव चार्ज। तो हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ RS कितने बने, नंबर ऑफ RS बने 2 1 एंड 2, एंड इन दिस केस अगर हम बात करें तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बनाएंगे तो जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 3 से शिफ्ट होकर 1 2 पर जाएगा, 3 पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसका फर्दर रेजोनेंस हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि इसमें रेजोनेंस हो फर्दर आगे? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब जो है 1 एंड 2 दो सिग्मा बॉन्ड्स बीच में आ गए हैं। रेजोनेंस तभी पॉसिबल होगा जस्ट कार्बोकैटायन के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये कार्बोकैटायन जो है अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड नहीं है, 1 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड से अवे है एंड इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो इसमें फर्दर रेजोनेंस नहीं हो सकता, नो रेजोनेंस। तो इसमें नंबर ऑफ RS जो फॉर्म होंगे दैट विल बी ओनली 1। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन का होगा वो इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। यहां तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर आंसर करना आपको समझ में आया होगा। तो आइए फर्दर आगे देखते हैं। अब एक और हम देख लेते हैं कंडीशन सबस्ट्रेट का जो जनरली नहीं पूछा जाता, बट लेट मी टेल यू कि अगर क्या है कि लेट से ऑक्सीजन एंड यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लेट से मैंने Cl लगा दिया, इसके पास डबल बॉन्ड है, एक हमने दूसरा कंपाउंड लिया जिसमें नाइट्रोजन है एंड यहाँ पर भी हमने लिविंग ग्रुप सेम रखा क्लोरीन। अब अगर हम इसमें कंपैरिजन करें कि SN1 का रेट किसका ज़्यादा होगा, अगर हम इसमें अब SN1 रिएक्शन की रेट की बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो हमने क्या किया कार्बोकैटायन इसका बना लिया, यहीं पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जब ये Cl निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एंड इसका जब हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन की पोजीशन भी सेम है और अगर आप देखें तो इस लोन पेयर के अल्टरनेट पर लोन पेयर के और ये पॉजिटिव चार्ज जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके बीच में रेजोनेंस होगा। ये जो रेजोनेंस था वो ड्यू टू अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड था इसलिए हुआ एंड इन दिस केस
पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट पर लोन पेयर होने की वजह से इसमें रेजोनेंस होगा, एंड सिमिलरली इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा। तब सवाल ये आता है कि किसकी रेट ज़्यादा होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जनरली जनरली क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं उसको हम फोन बोलते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही अपने ओर अट्रैक्ट करके रखता है, उतना ही ज़्यादा अपनी ओर खींच के रखता है। एंड सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर्स को काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखेगा, एंड नाइट्रोजन जो है थोड़ी लूज होगी इसकी। तो नाइट्रोजन की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है लोन पेयर के, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो वो किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की, एंड ऑक्सीजन की कम होगी, एंड लीस्ट होगी इन केस ऑफ फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन का भी कंपेरिजन करें तो। बट इन दिस केस हमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपेरिजन करना है। तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो इन दिस केस क्या करना है, रेजोनेंस के लिए इसको अपने लोन पे डोनेट करने हैं, एंड इसको भी करने हैं। तो जो जितनी आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा रेजोनेंस उतना ही जल्दी फॉर्म होगा, और नाइट्रोजन जो है इजिली ट्रांसफर कर देगा इसके लोन पेयर, एंड ऑक्सीजन थोड़ा लेट करेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर उसको इसने टाइटली होल्ड करके रखा है तो वो इतनी आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनेगी। इसने नाइट्रोजन क्या किया, ये अपने लोन पेयर को डोनेट किया, तो ये वन टू, वन टू के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। ये होता है हमारा रेजोनेंस। सिमिलरली जब हम इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। तो इस बेसिस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो आई होप इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट आपको समझ में आया होगा, इसमें और कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहूँगा। लेट्स से हम क्या कहें, एक बेंजीन रिंग है, एक CH2+ है। बेंजीन रिंग के साथ इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये फर्स्ट कंपाउंड हमने ले लिया, हमने एक और कंपाउंड लिया जिसमें कार्बोकैटायन जो है एक हाइड्रोजन को जो हमने अगेन एक बेंजीन से रिप्लेस कर दिया। एक तीसरा कंपाउंड लिया जिसमें हमने तीन बेंजीन रिंग बना दिए, मतलब इस कार्बोकैटायन से जो है तीन बेंजीन रिंग अटैच रहे हैं। तब बात आती है कि अब इसमें अगर हम SN1 रिएक्शन की जो रेट का कंपैरिजन करेंगे तो अब किसका रेट ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली सेम तरह का है क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जिसमें जितना नंबर ऑफ RS ज़्यादा फॉर्म होंगे वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, एंड उसी कंपाउंड की जो है रेट सबसे ज़्यादा होगी। अब ये कार्बोकैटायन मैंने डायरेक्टली बना दिया, आप यहाँ पर CL लगा सकते हैं फिर उसके बाद आप कार्बोकैटायन बना सकते हैं। मैं बेसिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही रेट बताना है तो मैंने इसलिए कार्बोकैटायन ही फॉर्म कर लिया। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कंपेरेटिवली कम बनेंगे, एंड इसमें इसके कंपेरेटिवली कम बनेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग अटैच होता जाएगा, एक बार इससे रेजोनेंस करेगा ये, फिर जब इसका कंप्लीट होगा फिर इससे स्टार्ट करेगा, एंड देन इससे स्टार्ट करेगा। मतलब ये 3 times इसके पास एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से रेजोनेंस करेगा नहीं, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट वाले से करेगा एंड देन सेकेंड इससे करेगा, एंड इसके पास तो एक ही ऑप्शन ही है
तो मतलब नंबर ऑफ आर एस किस में ज्यादा फॉर्म होंगे? इस वाले ग्रुप में होंगे, थर्ड में एंड सेकेंड में इससे कम होंगे एंड फर्स्ट में लीस्ट होंगे। तो अगर हम इसमें रेट का कंपैरिजन करेंगे तो फॉर एस एन वन रिएक्शन तो जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा थर्ड में, फिर होगा सेकेंड में एंड लीस्ट होगा फर्स्ट में। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है हमारा आर एक्स, जो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके जो हमारा प्रोडक्ट आर एन यू फॉर्म करता है, तो ये आर एक्स का है, इसके बेसिस पर हमने बताया। अब दूसरा इफेक्ट जो आता है उसको डिस्कस करते हैं। जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज लिविंग ग्रुप। जो दूसरा इफेक्ट है हमारा वो है लिविंग ग्रुप। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इफेक्ट करता है। लिविंग ग्रुप मतलब जो आर एक्स है, एक्स मर क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। जरूरी नहीं कि एक हेलोजन ही हो, या आपको कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हैं जैसे कि H2O+ या फिर और भी बहुत सारे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्ट करता है तो आर एन यू फॉर्म होगा एंड एक्स माइनस हमारा निकल जाएगा। तो बात आती है कि लिविंग ग्रुप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। लेट से मान लीजिए एक एग्जांपल है, मैं लेता हूँ, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि एक CH3 एंड X1 कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा है CH3X2। तो अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो X1 की ज़्यादा है X2 से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स को लीव करने की, जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को है, ये जो छोड़ के जाने की टेंडेंसी जो है X1 की ज़्यादा है X2 से। मतलब अगर हम डिस्कशन करें तो मान लीजिए कि X1 जो है इस कंपाउंड से टूट के बाहर निकलने में 0.5 नैनोसेकंड लगाता है, वेयर एज ये जो टाइम टेकन होता है इसका वो 1 नैनोसेकंड है। तो ये जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप भाग जाएगा यहाँ से, ये उतना ही जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन शो करेगा उतनी ही जल्दी से। इसीलिए कहा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये कॉमन है आपका SN1 के लिए भी एंड SN2 के लिए भी, ऑर्डर सेम होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। जितना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना ही बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन होगी, एंड जितना ही लीस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक जो है हमारा सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप, उनके लिए अगर डिस्कस कर दे तो लेट से हमने क्या किया, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो ये 4.0 होता है और क्लोरीन की 3.5 होता है। तो ये फ्लोरीन का है सबसे ज़्यादा है, आई एम सॉरी, क्लोरीन का आई थिंक 3.0 होता है, वो ऑक्सीजन का 3.5 होता है। वेल यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ CF बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। ये इतनी आसानी से टूट के बाहर नहीं जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कार्बन की भी 2.5 होती है एंड आयोडीन की भी 2.5 होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 0 आएगा, मतलब इसमें कोई पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड नहीं होगा। ये बॉन्ड जो CI बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा ब्रोमीन में, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्लोरीन में, एंड लीस्ट जो मोस्ट डिफिकल्ट होगा वो फ्लोरीन में होगा।
तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होगा फोर्थ में, फिर होगा थर्ड में, देन सेकेंड एंड लीस्ट होगा फर्स्ट में। अगर हम ये जो ऑर्डर है ये SN1 एंड SN2 ये दोनों के लिए करेक्ट है। अगर कोई कह दे कि आपको जो इसका रेट कंपैरिजन करना है वो SN1 के लिए करना है तो भी यही ऑर्डर होगा, अगर SN2 के लिए भी करना है तो भी यही ऑर्डर होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम SN1 के लिखते हैं, रेट लिखते हैं, वो रेट कांस्टेंट के और सबस्ट्रेट टू द पावर 1 होता है, वो लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड अगर इसकी रेट हम बात करें, अगर हम SN2 रिएक्शन की रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1 पर डिपेंड करता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन दोनों का लिविंग ग्रुप के बेसिस पर सेम होता है। क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बजाय और कोई अगर लिविंग ग्रुप हो तो उसमें कैसे कंपेयर करें। लेट्स से जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है कुछ हमारा CH3CH2OH, एंड एक दूसरा जो है वो है CH3CH2SH। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, एंड सिंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसीलिए इसकी जो होगी लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो कम होगी एज कंपेयर टू SH। दैट्स वाई द रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फर्स्ट रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड्स में गिवन होते हैं और डिस्कशन किए जाते हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, आप इनको दिमाग में ध्यान से थोड़ा रखें। इसकी हम एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स बोलते हैं, जो मोस्ट गुड, जो बेस्ट हैं, जो बेस्ट में भी बेस्ट होते हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं। एक है हमारा पैरा टोलुइन सल्फेट, पैरा टोलुइन सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक बेंजीन रूंग है, इस पे सल्फेट आयन है एंड इसके पैरा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप है। ये हमारा है पैरा टोलुइन सल्फेट, जो इसको हम इन शॉर्ट OTS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन शॉर्ट जो है पैरा टोलुइन सल्फेट को हम OTS से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा है वो है मिथाइल सल्फेट, आई नो ये आपके NCERT बुक्स में नहीं है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आगे हो सकती हैं कि रिएक्शंस में हमें काम दें, इसलिए मैं चाहता था कि यहीं पर इसका डिस्कशन हो जाए। ये हमारा है मिथाइल सल्फेट, या इन शॉर्ट इसको हम मिसाइलेट भी बोलते हैं। एक और है थर्ड, जो है ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फेट। ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फेट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन हैं यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन से चेंज कर दें तो ये ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फेट हो जाएगा, ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फेट CF3C SOO(OO)-O(-O)-. ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप, ऑल दो और भी दो होते हैं, एक होता है नोसाइलेट, एक होता है ब्रोसाइलेट, बट दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आप इन तीनों को ही इन जनरल आप ध्यान दें तो इतने में ही आपका हो जाएगा। अब जो थर्ड फैक्टर है हमारा, जो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 एंड SN2
रिएक्शंस को, रेट को जो इफेक्ट करते हैं वो है सॉल्वेंट, वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। तो पोलर, आई एम सॉरी, ये एक्चुअली पोलर सॉल्वेंट का, ये जो है पोलर सॉल्वेंट का डिफाइंड है। एक्चुअली सॉल्वेंट जो है पोलर एंड नॉन पोलर में, पोलर में डिवाइडेड है। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअली क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट डालते हैं वो एसिटोन के केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवरेबल होता है एंड सेकेंड जो SN2 है उसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। इसीलिए वो ध्यान से इन्हीं दोनों का नाम मैंने लिख दिया और जो बेसिक में डिवीजन कर रहा था सॉल्वेंट का उसे ध्यान से नहीं रखा, बट डिस्कस कर लेते हैं फर्दर जो है पोलर सॉल्वेंट। अब बात करती है पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट वो हैं जो, हाँ, म्यू की वैल्यू जीरो होती है। डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो जीरो होता है, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें क्या होगा, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। दूसरा आप बेंजीन होता है, बेंजीन के केस में भी म्यू की वैल्यू जीरो होती है। तीसरा आप CH2 ले सकते हैं, CH2 का भी जो होता है म्यू की वैल्यू जीरो होती है। अब म्यू की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर हम इसको μ1 नाम दें एंड इसको μ2 नाम दें तो एक पॉइंट पर एक लेफ्ट साइड जा रहा है दूसरी राइट साइड जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बिकॉज μ1 इज इक्वल टू, जो μ1 एंड μ2 है वो दोनों सेम है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करके म्यू की वैल्यू फाइनली जीरो कर देंगे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है आप वो ये ध्यान रखें कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन एंड CH2 जो है उनकी म्यू की वैल्यू जीरो होती है एंड दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। फर्दर पोलर सॉल्वेंट को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इसका डिवीजन मैंने यहाँ किया है। पोलर सॉल्वेंट को फर्दर हम टू से डिवाइड करते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अनदर वन होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं कटायन एंड अनायन, जिसको हम सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं दे सॉल्वेट द कटायन एज वेल एज अनायन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो कटायन एंड अनायन दोनों को ही सॉल्वेंट करते हैं, सॉल्वेट करते हैं मतलब डिजॉल्व करते हैं। बट जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं दे ओनली सॉल्वेंट द कटायंस नॉट अनायंस। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है दे सॉल्वेट ओनली कटायंस। अब बात आती है कि पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक को हम पहचानेंगे कैसे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होंगे वो हमेशा ही एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा,
फॉर एग्जाम्पल H2O, अब देख सकते O जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है, ROH हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के। अब इतना ध्यान रखें कि एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। आपका अमोनिया भी हो सकता है, 1 डिग्री एमाइन हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप हर एक में देखें तो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इन्हें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अब बात आती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो एग्जांपल हैं वो होते हैं DMSO, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है CH3SO and CH3, सिमिलर टू एसीटोन होता है, फर्क बस इतना है कि यहां पर सल्फर है। एसीटोन में क्या होता है, यहां पर सी होता है एंड यहां पर क्या है, एस है। आपका डीएमएसओ हो गया, एक होता है डीएमएफ, ये मोस्ट फेमस है, जो आपको हर एक रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यही सब मिलेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ इन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। एक है डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये होता है HCO and CH3 and CH3। एक होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आप इसके बाद एक क्राउन ईथर भी ले सकते हैं, क्राउन ईथर मतलब कुछ इस तरह के ईथर्स लाइक दिस, इन्हें हम क्राउन ईथर बोलते हैं, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में दे सकते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में इनमें म्यू की वैल्यू तो नॉन जीरो है, बट इनके हाइड्रोजन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड नहीं है, ये बेसिक डिफरेंस। आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन। अब बात आती है कि ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स हुए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से रेट को अफेक्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें कोई एक कंपाउंड गिवेन है RX, या फिर हम मान लेते हैं RCl, ये हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवेन है और इसको हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराना है, और ये गिवेन है कि जो ये SN1 रिएक्शन से जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको पता है कि RNU फॉर्म होगा एंड Cl- हमारा निकल जाएगा। तो बात ये आती है कि इसमें पोलर सॉल्वेंट है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये कैसे इफेक्ट करेगा, पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है, इससे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको जब पोलराइजेशन ऑफ CX बॉन्ड पढ़ाया था, या फिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो NCERT में गिवन, उसको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने आपको बताया था कि RCl जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है एंड इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव को, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ दिस बॉन्ड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके पास डेल पॉजिटिव आता है। और अगर अब हमारा सॉल्वेंट मान लीजिए H2O है, हमारा जो सॉल्वेंट है H2O इसमें है,
अगर H2O हमारा सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेट जो है कटायन को भी करेगा एंड अनायन को भी करेगा। कैसे? ये डेल नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। तो ये क्या होगा कि ये H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह से इसके पास आके इसको सराउंड कर लेंगे लाइक दिस। ये चारों तरफ से इसको सराउंड कर लेंगे क्योंकि इस पे है डेल नेगेटिव। एंड अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें सेपरेटली तो इसमें भी इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पर। आई थिंक ये बहुत छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा RCl, इसमें हमारा डेल नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन पे है वो डेल पॉजिटिव चार्ज है। सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है और उसमें RCl भी प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, दोनों चार्ज अपोजिट हैं एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से H2O जो है इनको सराउंड कर लेगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, एंड इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है एंड इन दिस H2O में डेल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, तो इस पर क्या होगा, एच सराउंड नहीं करेगा, अब ऑक्सीजन इसके पास जाएगा क्योंकि क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे आएंगे जो इसको सराउंड करके रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो डेल पॉजिटिव चार्ज, जो पार्शियल चार्ज आया था, ये उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो ये जो क्लोरीन है और ये भी अपना फुलफिल कर रहा है। हाइड्रोजन जो है डेल पॉजिटिव इसका डेल नेगेटिव से अट्रैक्ट करके अपना एक बॉन्ड टाइप का कर रहे हैं सब। तो ड्यू टू विच क्या होता है, ड्यू टू विच ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को और खींचना स्टार्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट जाता है और जो कार्बोकैटायन है R+ वो इजीली फॉर्म होता है इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता तो मतलब यहाँ पर क्या होता, एच की जगह कोई और मॉलिक्यूल होते हैं, लेट्स से ROR होता, कोई ईथर। अगर कोई ईथर होता है तो हाइड्रोजन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता क्लोरीन को, इसीलिए कहा जाता है कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है दे सॉल्वेंट ओनली कटायंस, क्योंकि अनायंस के लिए जो हाइड्रोजन जो चाहिए वो तो इसके पास है ही नहीं, तो वो तो इसको सॉल्वेट कर नहीं सकते। दैट्स वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक DMSO, DMF, एसीटोन एटसेट्रा फेवर SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है एंड ट्रांजिशन स्टेट को DMSO या फिर कोई भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये होता है एक सॉल्वेंट का इफेक्ट, कि किस तरह से एक सॉल्वेंट उसको इफेक्ट करता है। अब आइए इस पे भी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए कि CH3, CH2 एंड Br, इसकी जो रिएक्शन है हम
OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, जिसमें एक जो सॉल्वेंट है एरो के ऊपर जो गिवन रहता है वो जनरल सॉल्वेंट होता है, रिएजेंट प्लस सॉल्वेंट भी होते हैं। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो है हमारा मान लीजिए H2O, H2O क्या एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक सेम मॉलिक्यूल दूसरे बीकर में हमने लिया सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सेम न्यूक्लियोफाइल, बट हमने क्या किया कि सॉल्वेंट चेंज कर दिया, एंड इन दिस केस सॉल्वेंट इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन हैव द हाईएस्ट रेट, मतलब किसकी इन दोनों में रेट सबसे ज्यादा होगी। अब आप देखें सबस्ट्रेट भी सेम, न्यूक्लियोफाइल भी सेम, अब इफेक्ट किसका अब कंसिडर किया जाएगा, इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा सॉल्वेंट्स का। अब चूंकि हमें कंपेरिजन करना है SN1 का, तो SN1 के लिए फेवर कौन करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, H2O सॉल्वेंट, क्योंकि ये फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, तो इसी की रेट ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको फर्स्ट नेम दें, इसको सेकंड दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन सेकंड। एंड अगर यही कंपैरिजन हमसे SN2 के लिए पूछा जाता, तो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल क्या होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMF है, मतलब इन दिस केस रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का। आप कोई और भी सब्सट्रेट ले सकते हैं, लेट्स से दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज डबल बॉन्ड, इन दिस केस अगेन H2O एक हमारा है सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, हमने सेम सब्सट्रेट रखा, न्यूक्लियोफाइल भी हमने OH माइनस रखा, बट हमने एसीटोन ले लिया इस बार, या फिर DMSO ले लिया। ऐसे जो नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और अगेन अगर हम SN1 की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट सेम, न्यूक्लियोफाइल सेम, तो अब कौन सा इफेक्ट आएगा, लिविंग ग्रुप आएगा, और लिविंग ग्रुप के बेसिस पर किसकी रेट ज़्यादा होगी, फर्स्ट की देन सेकंड फॉर SN1, एंड फॉर SN2 रेट ऑफ सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। ये हुआ हमारा रेट ऑफ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सॉरी लिविंग ग्रुप नहीं सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप तो हम पिछली बार पढ़े थे। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, सॉल्वेंट, कि हमारा किस तरह का सॉल्वेंट गिवेन है। अब जो हमारा जो लास्ट आता है न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स का क्या इफेक्ट है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट डिस्कस किया, उसके बाद हमने लिविंग ग्रुप को डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड द सॉल्वेंट इफेक्ट। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का क्या है। तो हम न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, न्यूक्लियोफाइल तो वही होते हैं ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, लाइक OH- NH3 H2O एटसेट्रा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या फिर हम ये कहते हैं द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट अ बॉन्ड और अ फॉर्म अ बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, फेवरेबल होगा रिएक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है H2O है, और एक है हमारा NH3,
ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर बात करें कि हम H2O अब बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है या अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा कोई रिएक्शन गिवन है RX प्लस, जो है हमने सॉल्वेंट कोई इन जनरल रखा, लेट से हमने रखा कौन सा लूँ, मान लीजिए हमने CH3OH रखा, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब बात आती है कि RX पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सेम रखा, बट इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हमने रखा वो H2O रखा, एंड एक दूसरी रिएक्शन ली जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल अमोनिया को रखा एंड सॉल्वेंट हमने सेम रखा, और इन दोनों में अब हमें क्या करना है, रेट का कंपैरिजन करना है। तो अब आप बताइए, हम इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है, इवन लिविंग ग्रुप भी सेम है। इन बोथ केसेस लिविंग ग्रुप इज एक्स। तो अब कौन से इफेक्ट के बेसिस पर हम आंसर करेंगे? अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज़्यादा होगी। अब मैंने अपने जब मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में जब लास्ट में मैं पढ़ा रहा था इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, आई थिंक पढ़ा रहा था, नहीं सबस्ट्रेट पढ़ा रहा था, जब मैं लिविंग सॉरी जो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट जब पढ़ा रहा था, जब मैं रेजोनेंस के बाद एक एग्जांपल लिया था ये वाली, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है एंड इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी जो लोन पेयर की है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और जिसकी जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी देने की इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसी की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर हम कंपैरिजन करें, इफ वी कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन वाटर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू H2O। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस के रेट का कंपैरिजन करें तो इसकी रेट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। ये हमारा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें 11th के रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए इनका यूज किया हूँ तो कि आगे NCERT में क्वेश्चंस जो मिलेंगे तो हमें ये ना कहना हो कि अब हम 11th के बेसिस पे आंसर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर SN1 के केस में उसका ग्राफ भी हमने बनाया, फिर हमने SN2 के लिए पढ़ा, फिर हमने इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस में हमने 3-4 एग्जांपल्स किए, आफ्टर दैट हमने लिविंग ग्रुप, फिर सॉल्वेंट एंड लास्ट में हम न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ लिए। तो ये चार जो चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें जो हैं, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट, ये चार चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं किसी भी SN1 एंड SN2 रिएक्शन को। तो अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन ये ख़त्म होता है कि इफेक्ट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शंस पे जो इफेक्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ रिएक्शंस जिनमें SN मैकेनिज्म का यूज होता है। इसे हम हेडिंग डाल सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सारे रिएक्शंस को आपको एग्जैक्टली एज इट इज याद रखने होंगे। अब याद कैसे करेंगे? याद आप लिख लिख के याद कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले
आप एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शन की हेडिंग डालें एंड स्टार्ट हो जाए। तो जो फर्स्ट आता है हमारा वो आता है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ, या फिर हम हेलो एल्केन बोल लेते हैं क्योंकि अपना चैप्टर नेम ही हेलो एल्केन है, इसी को हम अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, विथ KCN, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। अब इसमें क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, CH3, CH2 एंड Cl। हमने इथाइल क्लोराइड एक हेलो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन हमने NaCN से कराई और हमें इसका क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको बता दूं कि ये इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 के थ्रू होती है और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3, CH2 एंड CN, एक साइनाइड फॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो NaCN है, NaCN क्या है, सॉल्ट है, किसका है, NaOH प्लस HCN का। ये एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। जब सॉल्यूशन में जाएगा तो Na प्लस एंड CN माइनस में होगा। अब बात आती है कि CN माइनस जो है यहाँ पर जो है डोनर जो होता है वो C होता है। आपको जस्ट इसके बाद ही एक रिएक्शन कराऊंगा जिसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। इन दैट केस नाइट्रोजन डोनर होता है, जो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट करता है, इन दिस केस कार्बन है, तो जो बॉन्ड होती है वो कार्बन के फॉर्म होती है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये हम साइनाइड बोलते हैं। सिमिलर रिएक्शन होती है KCN के साथ, आप अगर यहाँ पर KCN लें फिर भी यही मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो सर जो बाय प्रोडक्ट है, जो साइड प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसी का जो बी है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा था, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विथ AgCN। अभी तक हमने क्या किया, NaCN, सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड से करा है। क्या हो अगर हम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद सिल्वर साइनाइड करें AgCN के साथ? तो आइए देखते हैं कि AgCN क्या है, AgCN। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास है, तो इन दिस केस जो डोनर होगा वो नाइट्रोजन ही होगा, इसीलिए इन दिस केस जो होता है CH3, CH2 और Cl जो हम अगर सबस्ट्रेट लें और AgCN लें, तो इस बार जो डोनर होता है वो नाइट्रोजन होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन, इसीलिए जो यहां पर फॉर्म होता है वो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, Nc, दिस इज आइसोसाइनाइड। अगर ये इथाइल है तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, अगर ये मिथाइल होता है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाता है। सिमिलरली ये कंपाउंड जो है हमारा इथाइल साइनाइड है, दिस वन इज इथाइल साइनाइड। ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हुआ। जो थर्ड रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस रिएक्शन को मैं कह सकता हूँ आपको एक रिएजेंट फॉर्म होगा, जिसे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन अगर हम कराते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विथ मेटल्स, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म होते हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब फॉर्म होते हैं तो इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। आइए देखते हैं, अगर हम CH3Br ले लें
प्लस इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल से करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, कोई भी ईथर ले सकते हैं, साइक्लिक ईथर या फिर कोई भी ईथर ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ईथर ले लें तो CH3Br और Mg के साथ जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये CH3MgBr फॉर्म करता है, और ये जो होता है वो आयनिक इन नेचर होता है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो ये जो होता है वो CH3-MgBr+ होता है, और ये CH3- हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब इसी बात से एज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हेलो एल्केन लिया, हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, फिर हमारा जो फॉर्म हुआ वो एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, हमने एक रिएजेंट फॉर्म किया ये वाले, जिसको हम CH3-MgBr+ लिखते हैं। अब हमने माना जो अब अगली रिएक्शन में आपको बताने जा रहा हूं, फिर दूसरी रिएक्शन जो है CH3CH2+Cl है प्लस, अब हमने किया कि Mg के साथ न रिएक्शन कराकर हमने इस बार CH3MgBr से करा दिया, जो हमने अभी सिंथेसाइज किया है इसको। अब इसमें क्या होगा कि CH3- और MgBr+, अब ये यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, और यहां पर एक लिविंग ग्रुप प्लेस है। तो अब क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आके अटैच्ड हो जाएगा CH3CH2, अब Cl के जगह हमारा CH3 हो जाएगा प्लस Mg के साथ एक Br होगा एंड एक Cl होगा, जहां से Cl होगा वो Mg के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोपेन बना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हेलोल्केन लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाया, फिर उसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को दूसरे हेलो एल्केन से रिएक्शन कराकर हमने एक अल्केन कंपाउंड बनाया, दिया हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। दैट्स व्हाई दिस रिएजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन, ये रिएजेंट जो है हमारा जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर रिएक्शन में चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, जो सेकेंड टर्म में जो आएंगे चैप्टर्स एल्डिहाइड कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ेंगे, एमाइन्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस रिएजेंट को तो आप सिर्फ क्लास में ही रीड करते करते याद कर लेंगे, इतनी बार ये रिएजेंट यूज होगा। ये जरूरी नहीं कि CH3MgBr हो, ये कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा क्या कराएंगे, एक हेलो एल्केन लेंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म करेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिवन होता है, तो उसमें आपको सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है, जो गिवेन है उसी के बेसिस पर हम रिएक्शन कराते हैं। आइए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हम मान लीजिए कि फिनाइल CH2NBr ये आपको गिवेन है, प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करता है, कंपाउंड ए फॉर्म होता है। जब कंपाउंड ए की रिएक्शन हम कराते हैं फर्दर, लेट से CH3Br से मिथाइल ब्रोमाइड से, तो हमारा कंपाउंड बी फॉर्म होता है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट बी है वो क्या होगा, हमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। फिनाइल CH2Br है, फिनाइल CH2Br जब मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, CH2MgBr बन जाएगा, ये तो हमारा हो गया ए। अब मैंने आपको बताया कि फिनाइल CH2Br जो है वो फिनाइल CH2-
और MgBr प्लस होगा। अब इसका रिएक्शन, ये तो हमारा ए कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम CH3Br से करा रहे हैं। तो CH3Br एक सबस्ट्रेट है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा फिनाइल CH2। तो अब जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, फिनाइल CH2 एंड CH3। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बी होगा, आवर आंसर। इस तरह के रिएक्शंस आपको आई थिंक बुक्स में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जब आप CBSE के देखेंगे, तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ज़रूरी नहीं यही हो, बहुत सारे रिएक्शंस बनती हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस बनती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH3 H and OH। मैंने इस तरह के रिएक्शंस आपको आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स में आपको SN1 SN2 जब वहाँ पर इंट्रोडक्टरी बताया था तो वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि हम यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन हम HI से कर दें, एसिड से, तो ये एसिड जो है वो OH जो है एक बैड लिविंग ग्रुप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस एंड I माइनस जो है सॉल्यूशन में, H प्लस से इसका प्रोटोनेशन होगा, तो CH3C CH3H एंड जो O है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज्ड हो गया तब ये यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, क्योंकि H2O प्लस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है आफ्टर H प्लस प्रोटोनेशन। तो CH3C CH3H एंड यहाँ पर आ गया क्या, प्लस कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। अब क्या है, अब ये आयोडीन के साथ I माइनस के साथ रिएक्ट करके CH3 CH CH3 I फॉर्म होगा। अब इसके बाद हम इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, इसके पास इसके बाद हम Mg ईथर से रिएक्शन करा दें। जब हम Mg ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3CH CH3 MgI फॉर्म होगा, एक रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ। अब इस फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, CH3CH CH3 इस पे माइनस MgBr प्लस, ये बेसिकली जिससे अटैच होगा उसी पर माइनस होगा एंड इस पे प्लस होगा। तो ये हमारा एक तरह क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ये पूरा। अब इस न्यूक्लियोफाइल का हम रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से करा सकते हैं। हमें मान लिया हमने प्रोपेन ले लिया, हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड जो फाइनल बनेगा वो CH3 CH2 CH2। अब इससे क्या कनेक्ट होगा, अब इससे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी CH की इस वाले CH की एंड इस वाले CH से एक CH3 अटैच्ड है एंड एक और CH3 अटैच्ड है, तो हमारा ये कंपाउंड फॉर्म होगा। इस कंपाउंड की अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 टू मिथाइल पेंटेन होगा ये कंपाउंड हमारा, जो 2 मिथाइल पेंटेन फॉर्म होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। This is our compound. तो आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना यूज है, हम इससे किसी भी कंपाउंड में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं। That's why this ग्रिग्नार्ड रिएजेंट important. इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम एल्कोहल फिनल ईथर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो रिएक्शन विथ एल्कोहल भी पढ़ेंगे। फर्दर जब हम
एल्डिहाइड कीटोन्स जब पढ़ेंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनके साथ भी रिएक्शन कराएंगे एंड देखेंगे कि जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो एक एल्कोहल फॉर्म होता है। इन केस ऑफ कीटोन ये 3 डिग्री होता है एंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड ये 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करता है। एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब उसकी पॉइंट आएगी। बिफोर दैट हम उसकी सिर्फ या वह चर्चा कर लेना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑल दो इसकी सारी चीज़ें हम जब जिसकी इम्पोर्टेंस जहाँ पर होगी हम उसको वहीं पर पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड मेरी तरफ से आप SN रिएक्शन के अगर कुछ रिएक्शन आपको मिले बुक्स वगैरह में तब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिवाइज करें टोटली एंड आफ्टर दैट आप उसको कंप्लीट करें रिएक्शंस को। टिल दैट अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम फर्दर अपने थ्योरी लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।